कांग्रेसियों ने नौकरी संवाद कार्यक्रम का किया आयोजन। जिला युवा कांग्रेस ने आज पार्टी कार्यालय में नौकरी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेसियों का कहना था कि हमें युवाओं के लिए प्रचार नहीं नौकरी चाहिए। यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने इस कार्यक्रम में भाग लिया व इस सरकार में बेरोजगारी को अहम समस्या बताया। कांग्रेसियों का कहना था कि हम प्रदेश भर के रोजगारों की सूची तैयार करेंगे और जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन सभी बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करेंगे। आज बांदा के कांग्रेस कार्यालय में नौकरी संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पंडित ब्रजेश कुमार बादल मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश महासचिव ने कहा कि इस समय देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, इसलिए क्यों महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा युवा काम करता है। बेरोजगारी को देखते हुए पिछले साल जो ये काम हुआ कि नोटबंदी और लॉकडाउन हुआ, कांग्रेस पार्टी ने सरकार की स्थितियों को देखते हुए अब यह ऐलान किया, हमें प्रचार नहीं नौकरी चाहिए। सरकार ने जो नौकरियों का वादा किया था वो सब झुठला निकला, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यह अभियान चलाया है। उसके तहत हम प्रदेश भर के बेरोजगारों की सूची तैयार करेंगे और जब हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले सभी को नौकरी देने का काम करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित और महिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवा खान ने कहा कि हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि युवाओं को अधिकार चाहिए, भीख नहीं। सरकार ने चुनाव से पहले बार बार घोषणा की थी कि सरकार बनने पर हम 2 करोड़ रोजगारों को नौकरी देंगे। सरकार ने बेरोजगारों के साथ छलावा किया है, नौकरी देना तो दूर है। सरकार ने 12 करोड़ युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। हमारी मांग है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए या फिर बेरोजगारी भत्ता। कहा कि जब हमारी कांग्रेस सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करेंगे। ये थी यूपी क्राइम न्यूज बांदा से विष्णु सिंह की रिपोर्ट। आज हमारी NSY की तरफ से प्रेस वार्ता थी, जिसमें हम लोग ने मांग रखी कि जो ये सरकार ने झूठे वादे किए थे नौकरी को लेके, कई लाख लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार देना तो दूर, उन्होंने रोजगार छीन लिया। हम लोगों की मांग है कि युवाओं को रोजगार दें, अन्यथा उनको उस एवेज में भत्ता दें। मैडम, यहाँ पर जैसे औरतों को है, बच्चियाँ हैं, और उनपे क्या रोजगार में कहना चाहती हैं? कि औरतें लड़कियाँ भी पढ़ी लिखी हैं, उसी तरह जैसे पुरुष को रोजगार दें उसी तरह महिलाओं को और लड़कियों को भी रोजगार दें। यदि जो कम पढ़ी लिखी हैं तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट लगाएं जिसमें महिलाएं रोजगार कर सकें। सरकार मिशन शक्ति चला रही है महिलाओं के लिए, क्या रोजगार पे इसी तर्ज पे होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो भी उन्होंने रोजगार महिलाओं के लिए जो भी किया वो सब खोखले वादे हैं, कोई भी किसी चीज में खरी नहीं उतरी। जैसा कि आपको मालूम है कि महिला शक्ति मिशन चलाया है, आए दिन महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, सरकार बिल्कुल खोखली होती जा रही है और कुछ निकम्मी है बिल्कुल सरकार इस समय। हमारे यूथ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री भाई ब्रजेश जी, हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व संगठन सचिव बड़े भाई साकेत बिहारी मिश्रा जी, हमारे संगठन प्रभारी उपाध्यक्ष मुमताज जी, आज युवाओं के लिए रोजगार के लिए एक नौकरी संवाद कार्यक्रम स्थापित किया गया है। उसी में हमारे प्रदेश महासचिव आए और प्रेस वार्ता करके ये हम लोग बताना चाहते हैं कि हम युवाओं को अधिकार चाहिए, भीख नहीं चाहिए। जो ये सरकार अपने बार बार घोषणा पत्र में चुनाव के पहले कहती थी कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, इन्होंने उनके साथ छलावा किया। रोजगार तो छोड़िए, 2 करोड़ छोड़िए, 12 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो हम लोगों की मांग है कि रोजगार दें, अन्यथा उनको भत्ता दें, और ये सब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जब तो कांग्रेस के हम वादा करते हैं, हमारे राहुल जी ने, प्रियंका जी ने वादा किया कि जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी सबसे पहले रोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आज इसी को लेकर के मेरा नाम पंडित ब्रजेश कुमार बादल, बुंदेलखंडी। अच्छा, किस तरह की आज प्रेस वार्ता रखी गई यहाँ पर? मैं उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमेटी का प्रदेश महासचिव हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इस समय देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इसीलिए है क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात
और दिल्ली में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का युवा कार्यकर्ता काम करता है। बेरोजगारी को देखते हुए पिछले सालों में जो नोटबंदी और ये लॉकडाउन जो हुआ, उस बेरोजगारी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक ये नौकरी संवाद, प्रचार नहीं नौकरी चाहिए, क्योंकि सरकार की स्थितियां हम देख रहे हैं। पिछले बजट में भी उन्होंने 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, लेकिन उसके एक भी नौकरी नहीं मिली। जितने भी सरकारी एग्जाम हुए, एक भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुए, सबके पेपर कहीं ना कहीं लीक हो गए। हजारों करोड़ों बेरोजगार भाई हमारे यूं ही भटक रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने नौकरी संवाद का एक ये प्रोग्राम चलाया है। इस प्रोग्राम के तहत हम लोग उत्तर प्रदेश के उन सभी युवा साथियों का डाटा कलेक्ट करेंगे जिनमें उनकी योग्यता शामिल होगी, और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये प्राथमिकता होगी कि जो ये डाटा कलेक्ट किया जाएगा, प्रत्येक युवा को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार और नौकरी देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। जैसा कि आपने इससे पहले भी देखा था आपने, विधानसभा चुनाव जब हुए छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के, वहां पर इसी तरीके से किसानों का डाटा कलेक्ट किया गया था कर्ज माफी के लिए, और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एक घोषणा की थी कि इन प्रदेशों में अगर हमारी सरकार बनती है तो एक हफ्ते के अंदर कर्ज माफ कर दिया जाएगा। जबकि सरकार जैसे ही हमारी बनी, वो कार्य 2 से 3 दिन के अंदर ही कर दिया गया था, सब किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया। इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वही करती है, इसी तर्ज पर ये युवा नौकरी संवाद का कार्यक्रम लाया गया है।